तो दोस्तों मैं आया हूँ आज अपना और एक प्यारा सा गांव अमगांव गांव में जो कि ऐसा देखने को मिलता है। और यह गांव दोस्तों अंबिकापुर से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस गांव का तहसील और ज़िला सूरजपुर पड़ता है और अंबिकापुर बॉर्डर के साथ यह गांव लगा हुआ है। तो आप लोग कौन कौन आम गांव से है कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग का गांव कैसा देखने को मिल रहा है ड्रोन शॉट में आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो आम गांव लगभग 436 हेक्टेयर तक फैला हुआ है जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार और लगभग 1400 के जनसंख्या के लगभग है इस गांव का वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो चले फिर दोस्तों देखते हैं हम लोग अमगांव एक किनारे से और आप लोग अपना घर को देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग अपना घर को स्क्रीन शॉट भी भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केशवपुर जाने वाला रोड से जो कि कच्ची रोड है देखने को मिलेगा देख सकते हैं। यह केशवपुर वाला रोड सीधा जाता है केशवपुर मिलाता है और इधर से भी इंजा से हम लोग आ सकते हैं अमगांव में। तो अमगांव में ऐसा बस्ती देखने को मिलेगा और इधर पुरान बस्ती देखने को मिलेगा और आगे और एक बस्ती है ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा हम लोग को अमगांव का। और यहाँ चौक है और एक रास्ता राइट साइड गया है सीसी वाला रोड देखने को मिलेगा और नेटवर्क के लिए यहाँ हम लोग को टावर देखने को मिल जाएगा। और जस्ट सामने देख सकते हैं दोस्तों हम लोग को यहाँ प्राइमरी स्कूल देखने को मिलेगा पूरा कंपाउंड यहाँ देखने को मिलेगा और प्राइमरी स्कूल वाला पूरा मैदान देखने को मिलेगा और यहीं पर अमगांव का पंचायत भवन देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं जस्ट सामने हम लोग को प्राइमरी स्कूल और पूरा खेल ग्राउंड देखने को मिलेगा और पंचायत भवन भी यहीं पर है। और अमगांव का कुछ बस्ती इधर देखने को मिलेगा और इधर से हम लोग ठाकुरपुर जा सकते हैं ठाकुरपुर वाला रास्ता इधर से निकल जाता है उसके बाद हम लोग को रेलवे स्टेशन इधर से शॉर्टकट देखने को मिलेगा और ऐसा बस्ती देखने को मिलता है अमगांव का। तो दोस्तों ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है अमगांव। आप लोग को कैसा लगा अमगांव कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर भी करना और जो जो नहीं देखा है अमगांव को उन लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करके दिखाना अपना गांव को।